करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु व सुख सौभाग्य के लिए करती हैं। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष 1 नवंबर को यह त्यौहार है, जहां कुछ आसान से उपाय करके महिलाएं अपने इस व्रत को पूर्ण सफल बना सकती हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश तिवारी। त्यौहार के लिए भारत की समस्त नारी शक्तियों को प्रणाम, जो इतना कठिन व्रत रखती है अपने पति की आयु के लिए। और ये विधान भी वर्षों से अपने देश में चला आ रहा है, इसका अपना महत्व है, चंद्र के दर्शन का, गणपति पूजन का, और इसमें समाज की भी मान्यता रहती है। हर समाज में थोड़ी सी रीति रिवाज अलग हो जाते हैं, है ना। और इस व्रत में अपने समाज की मान्यता के साथ साथ गणपति जी की विशेष आराधना के लिए अपन गणपति अत्यशी का पाठ कर सकते हैं, गणपति सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, चंद्र देवता की माला या चंद्र देवता का नाम ले सकते हैं। और पति की लंबी आयु के लिए उसी दिन करवा चौथ के दिन भगवान शनिदेव सहित नवग्रह देवता का ध्यान करें, उसके बाद में अपना पूजन पाठ आरंभ करें, और पूजन के बाद में फिर भी नवग्रह देवताओं का ध्यान करें, क्योंकि देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्रदान अपने को ग्रहों के माध्यम से ही संसार में अपने पृथ्वी प्राप्त होता है। तो बिना ग्रहों की अनुकूलता के अपने को कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि देवलोक यहाँ से काफ़ी दूर है और ग्रह लोग जो है वो पृथ्वी के आसपास है। तो देवता या देवी जो भी भेजते हैं आपको आशीर्वाद या जो भी आपका पूजा का फल होता है वो मिलता अपने को ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से ही है। तो पूजा कोई सी भी नवग्रह का स्मरण एक बार प्रातःकालीन कर लिया जाए, पूजन करने के पहले गणपति जी और माता गौरी के पूजन के बाद में नवग्रह देव का ध्यान करके फिर पूजा आरंभ की जाए, और पूजा के समारोह में फिर नवग्रह देवता का नाम ले लें, ताकि अपने को नए ग्रहों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे अपने पति के आयु के साथ साथ स्वास्थ्य आरोग्यता और धन की उपलब्धता संपन्नता वो भी प्रभावित होगी, उसमें भी वृद्धि होगी।